Good morning, students. Our lesson number 17 is Bismillah Khan. बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ा रही हूँ जो कि बहुत मशहूर शहनाई वादक थे। इसमें आपको 10 शहनाई का स्टोर दिया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज द अनडिस्प्यूटेड ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द इंडियन म्यूजिक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो भारत का जो संगीत का जो ताज था उसके अनडिस्प्यूटेड यानी जिनके नाम के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं था या कोई मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं था। ऐसे जो थे जवाहरात थे भारत के म्यूजिकल क्राउन के। ही हैड ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री। उनको अपने देश से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अनलाइक हिज पीयर्स ही डिड नॉट गो अब्रॉड फॉर मनी एंड फेम। उनके पूर्वजों की तरह वो भी कभी पैसे और नाम के चक्कर में इंडिया से बाहर नहीं गए। ही डिड नॉट इवन लीव फेवरेट सिटी बनारस वेयर द नोट्स ऑफ शहनाई रैम्बल्ड अक्रॉस द काशी विश्वनाथ एंड संकट मोचन टेम्पल। देश से बाहर जाने की बात तो छोड़िए, वो कभी अपने शहर बनारस को छोड़कर नहीं गए जहाँ पर वो शहनाई बजाते थे, काशी विश्वनाथ और संकट मोचन टेम्पल पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे बिहार के 21 मार्च 1916 को। उस्ताद जो थे बहुत ज़्यादा हम्बल थे और उनके बिहेवियर ये उनके बिहेवियर से झलकता था जो वो लोगों के साथ मतलब व्यवहार करते थे कि वो मतलब उनको क्या संस्कार सिखाए गए हैं। फॉर बिस्मिल्लाह खान द कनेक्शन विद द म्यूजिक बिगन सेट अ वेरी अर्ली एज। बिस्मिल्लाह खान का म्यूजिक से कनेक्शन उनकी बहुत कम उम्र में ही स्टार्ट हो गया था। हिज एंसेस्टर्स वर फोर्ट म्यूजिशियन इन डोगराव इन बिहार एंड ही वॉज ट्रेंड अंडर हिज अंकल हु वॉज अ शहनाई प्लेयर एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। उनके पूर्वज जो थे वो
दरबार में शहनाई बजाया करते थे राजा महाराजाओं के, और वो उनको उनके अंकल ने ट्रेन किया था शहनाई प्लेयर के रूप में, क्योंकि उनके अंकल भी काशी विश्वनाथ और संकट मोचन टेम्पल पर शहनाई बजाया करते थे। हिज फर्स्ट अवार्ड कम एट द एज ऑफ 40 एट द बेस्ट परफॉर्मर एट ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद इन 1930। उनकी जिंदगी में पहला अवार्ड जो है बहुत जल्दी आ गया था, जब वो सिर्फ 14 साल के थे, जब उन्हें ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में 1930 में अवार्ड मिला था, जो कि इलाहाबाद में हुई थी। ऑन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 ही प्लेड द शहनाई फॉर फ्री इंडिया फ्रॉम द रैमपार्ट ऑफ द रेड फोर्ट। एट द इन्विटेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो लाल किले की ऊंची दीवारों से बिस्मिल्ला खान ने आजाद भारत देश के लिए शहनाई बजाई, और उनको इस काम के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनवाइट किया था। फिर उसके बाद उनकी जिंदगी में अवार्ड का मतलब अवार्ड्स का, पुरस्कारों का और पहचान का तो तांता सा लग गया, एक आम बात हो गई थी उनको अवार्ड मिलना और पूरी दुनिया उनको पहचानती थी। What marked Bismillah Khan from his famous contemporaries was his simplicity and his disregard for the riches that came with the fame in the field of music. Bismillah Khan सबसे अलग क्यों पहचाने जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपनी simplicity की वजह से, क्योंकि वो कभी भी नाम और पैसे के लिए, जैसा कि म्यूजिकल फील्ड में होता है कि लोग नाम और पैसे के लिए भागते हैं, एक नाम और पैसे के पीछे भागते हैं, ऐसे बिस्मिल्ला खान कभी नाम और पैसे के पीछे नहीं भागते। उन्होंने पूरी जिंदगी काफी सिंपल गुजारी। टिल द वेरी एंड ही यूज्ड अ साइकिल रिक्शा टू ट्रेवल अराउंड बनारस। अपनी जिंदगी के बहुत आखिरी दिनों तक भी वो साइकिल रिक्शा में ही बनारस में घूमते थे। बिस्मिल्ला खान वुड नॉट जस्ट बी रिमेम्बर फॉर इनोवेटिंग द शहनाई फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट हर्ड ऑनली इन वेडिंग्स एंड नौबत खानास टू वन दैट वाज अप्रिशिएटेड इन कंसर्न हॉल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। बिस्मिल्ला खान की वजह से ही शहनाई जो है वो शादियों और नौबत खानों से निकल के कंसर्न हॉल तक आई, कि लोगों ने शहनाई को जाना और पहचाना। His life was a testimony to the plurality that is India. A practicing Muslim in his younger days, he would take a daily dip in the Ganga after wrestling in Binia Bagh Akhada. Every morning, Bismillah Khan would do riyaz at the Balaji temple on the bank of the river. वो एक प्रकृति मुस्लिम थे, गंगा में स्नान करते थे अखाड़े में कुश्ती लड़ने के बाद, और फिर बालाजी टेंपल में जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था वहाँ बैठकर रियाज किया करते थे। ही पर्सनिफाइड रियल सेक्युलरिज्म। ही वाज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हु ऑफर्ड नमाज 5 times अ डे, येट ही हैड इमेंस फेथ इन बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन हनुमान एंड गंगा मैया। वो सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते थे। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि एवरीबॉडी इज फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, है ना, कोई भेदभाव नहीं रखना, दूसरे मजहबों की भी इज्जत करना, और हर इंसान आज़ाद है अपनी पसंद के मजहब को फॉलो करने के लिए। ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, सेकुलरिज्म। और इंडिया भी जो है वो क्या है, एक सेकुलर स्टेट है,
और हर इंसान फ्री है अपने पसंद के मजहब को फॉलो करने के लिए। तो बिस्मिल्लाह खान भी जो थे सेक्युलरिज्म को फॉलो करते थे और एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, लेकिन उन्हें बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन पर बहुत विश्वास था। गंगा मैया में भी को बहुत भरोसा रखते थे। डिवोटी ऑफ नाथ ब्रह्मा एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ गंगा जमुनी तहजीब। और किसका निशान थे वो, इंडिया की जो तहजीब है, इंडिया का जो कल्चर है, तहजीब माने कल्चर जो है वो इंडिया का, वो गंगा जमुनी कहलाता है, क्योंकि इसमें कई किस्म के जो रंग है वो झलकते हैं या दिखाई देते हैं। यानी कि अब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं तो उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो वो सब किस्म के जो रंग हैं वो मिलकर कई रंग एक साथ झलकते हैं, तो इसको आप गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। ये बात था शाइनिंग सिंबल ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म का एक चमचमाता हुआ सितारा था, क्योंकि वो कभी मजहबों को बीच में ला के कोई भेदभाव नहीं करते थे, वो सारे मजहबों को एक समान मानते थे। चेन्नई मास्टर उस्ताद वाज सो लिबरल एंड ग्रेट इन दिस एरिया ऑफ एक्टिविटीज दैट ही डिफाइंड स्क्रिप्चर्स। और वो अपने काम को बहुत मेहनत से करते थे और अपने जो फील्ड थी उसमें भी बहुत ईमानदारी से काम करते थे। Throughout his life, he abided by the principles that all religions are one. पूरी जिंदगी उन्होंने एक ही बात कही कि सारे मजहब जो है वो एक है। He was a devotee of सरस्वती, वो सरस्वती के भक्त थे। He would lead the Mohram procession as well as that of the Ganga Puja in Banaras, playing the Shehnai by walking. जब बनारस में मोहर्रम का जुलूस निकलता था या गंगा पूजा होती थी तो पैदल चलते हुए उस जुलूस में बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हुए जाते थे। ही डिड नॉट गो अब्रॉड इन सर्च ऑफ ग्रीनर पॉस्चर, और अपने देश से बाहर हरियाली या पैसा चुनने के लिए वो कभी नहीं गए। उस्ताद वाज प्लीज टू नो दैट द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू होस्ट अ प्रोग्राम एट इंडिया गेट टू पे द ट्रिब्यूट टू द अनसंग हीरोज ऑफ द वर्ल्ड वार वन एंड फॉर द वर्ल्ड पीस एंड कम्युनल हैरमनी। उस्ताद जो थे, उस्ताद को काफ़ी इत्मीनान से थे ये सुनकर कि इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इंडिया गेट पे चेन्नई का एक प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें वर्ल्ड वार वन के हीरोज को श्रद्धांजलि दी जाएगी और दुनिया में वर्ल्ड पीस के लिए और कम्युनल हारमोनी के लिए वो प्रोग्राम रखा गया था। द प्रोग्राम वाज हाउएवर कैंसिल्ड फर्स्ट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ एंड देन बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट। इस प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा, उस वक्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की तबीयत खराब हो गई थी और इसके अलावा सिक्योरिटी की वजह से भी इस प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा था। अ मॉडेस्ट मैन ऑफ फ्यू पॉइंट्स ही प्रीफर्ड टू लिव अ स्पार्टन लाइफ। हिज रूम ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ हिज हाउस हैज ओनली अ फ्यू थिंग्स लाइक अ कॉट, अ चेयर एंड एन अर्दन कॉट फॉर वाटर एंड चेन्नई। इतनी थोड़ी एक मॉडेस्ट मैन थे, इतने फेमस इंसान थे, उसके बावजूद भी उनके पास सिर्फ बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। उनके रूम में जो उनके घर के टॉप फ्लोर पे था कुछ ही चीज़ें थी, एक कॉट यानी कि बांध का पलंग था उनका, खटिया जिसे कहते हैं, उनकी एक चेयर थी, एक मटका रखा हुआ था उनका और उनकी शहनाई हमेशा उनके बिस्तर पर रखी रहती थी। इन 2001 बिस्मिल्लाह खान बिकम ओनली द थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न का अवार्ड मिला, जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। दिस इंडियन लीजेंड एंड चेन्नई मेस्ट्रो डाइड ऑफ द कार्डियक अरेस्ट ऑन मंडे 21 अगस्त 2006। ही वॉज 90। ये इतने बड़े चेन्नई मेस्ट्रो और इंडिया की जो गाथा है वो कार्डियक अरेस्ट
से 21 अगस्त 2006 को इंतकाल कर गए, जो कि मंडे का दिन था जब वो 90 इयर्स के थे। With his death, an era has come to an end. Perhaps God wanted that instead of India Gate, the notes of Chennai should reverberate at the doors of the heaven. He has given the message that no religion is greater than humanity. उनकी मौत के साथ एक बहुत बड़ा अध्याय जो है वो समाप्त हो गया। शायद ईश्वर ये चाहता था कि इंडिया गेट के बजाय शहनाई जन्नत के दरवाजों पर बजे, और अपनी पूरी जिंदगी से उस बिस्मिल्लाह खान सबको एक ही मैसेज देकर गए कि इंसानियत से बढ़ के कोई मजहब नहीं है। आपसे बार बार मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले क्या बने, यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बने, फिर कुछ भी बने, है ना। अगर कोई जिस इंसान में इंसानियत नहीं है वो कुछ भी नहीं है, तो यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। नाउ मूव टू द एक्सरसाइजेस, ओपन द पेज नंबर 158। वर्ड पावर में ए वाला एक्सरसाइज आपको करा रही हूं। वी समटाइम एफिक्स दिस और नन टू इंडिकेट द नेगेशन। जब हमें किसी बात के लिए इनकार या नहीं लगाना होता है तो हम उससे पहले दिस या नन जोड़ देते हैं। अब आपको एग्जांपल दी गई अपियर। अब अपियर से पहले अगर आप दिस लगा, अपियर का मतलब सामने आ जाना, है ना। और अगर आप अपियर से पहले डिस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कि डिसअपियर यानी कि सामने से हट गए। अब अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी के बाद आप क्या लगा देंगे, नॉन अवेलेबिलिटी यानी कि आप, अवेलेबिलिटी का मतलब आपके पास मौजूद होना, और नॉन अवेलेबिलिटी यानी कि आपके पास मौजूद नहीं है। नाउ एट आइदर डिस और नॉन विदाउट Whichever is correct in the following words। अब इन सब में आपको dis या none लगाकर आपको words change करना है।
नॉन टेक्निकल। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में आपको दिख रहा है बिलीफ, तो बिलीफ का आप क्या बनाएंगे, डिसबिलीफ। इंगेज, तो इंगेज का नॉन इंगेज। फिफ्थ वाला देखिए, आपका फिफ्थ है ऑर्डर, तो डिसऑर्डर। वायलेंस, तो वायलेंस का नाम वायलेंस बनेगा। Now B exercises, B में देखिए study these sentences below with appreciate words derived from the underlying words। आपको जो sentences दिए गए हैं वो पढ़ना है और जो ऊपर words दिए गए हैं उनको correct form में use करना है। जैसे कि आपको example क्या दिया गया है, गांधी जी is the father of the nation। तो अब गांधी जी is the father of the nation, तो गांधी जी क्या है, देश के राष्ट्रपिता हैं। तो nation के नीचे underline किया हुआ है ना, अवर नेशनलिटी इज इंडियन, तो नेशन से ही आपको दूसरा वर्ड बनाना है। जैसे आप नेशन से आपने इसमें नेशनलिटी बना दिया, तो हम क्या है, भारतीय नागरिक हैं। तो अब आपको ए वाला बता रही हूँ, इसमें ए वाले सेंटेंस के बारे में, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया एंशिएंट कल्चर। हम को किस पे गर्व है, हमारे पुराने तहजीब या रस्म और रिवाज के ऊपर गर्व है। चिल्ड्रन हैव गॉन टू पार्टिसिपेट इन अ डेज प्रोग्राम, तो आपको किससे, अंडरलाइन वर्ड से वर्ड बनाना है। तो कल्चर के नीचे अंडरलाइन है, तो आप उसमें वर्ड क्या भरेंगे, फिर आप में कल्चरल प्रोग्राम। देखिए, कथकली इज अ परफॉर्मिंग आर्ट्स, द एक्सप्रेशन इन द परफॉर्मेंस आर परफॉर्मेंस, तो आप क्या भरेंगे उसमें, परफॉर्मेंस। सी वाला देखिए,
Yesterday I had to go to the principal's residence. तो आपको वर्ड किससे उठाना है? रेजिडेंस से उठाना है. किशोर नगर इज अ लार्ज रेजिडेंशियल कॉलोनी. Herbal medicines are of the great benefit. Fried food is not beneficial. We occasionally get rain on this day. अब आइए आप पेज नंबर 159 पे. आपको लेट्स लर्न दिख रहा है. लेट्स लर्न में मैच द कॉलम देखिए आप. लेट्स लर्न के मैच द कॉलम बताएं आपको. अब जो ए में आपको आर्किटेक्ट दिया है तो उससे मैच करेंगे आप आर्किटेक्ट में डिजाइन बिल्डिंग्स. तो उसको आपको लिखना कैसे है नीचे? आपको ए कॉलम के जो है उनको बी कॉलम से मैच करना है और फिर सेंटेंस बनाकर लिखना है. जैसे आर्किटेक्ट है तो आप उसको क्या लिखेंगे? एन आर्किटेक्ट designs buildings.
soldiers. A soldier is a person who defend the country. Enemies. Enemies. अब थर्ड वाला देखिए. थर्ड वाला आपका वर्ड है कस्टमर. अ कस्टमर इज अ पर्सन buys things from a shop. Fourth वाला है tenant. A tenant is a person who pays rent. Pays rent to live in a house. Now fifth.
scholar is a person who knows a lot about a particular subject. Sixth is doctor. A doctor is a person who treats the patient. Ooh.